हाँ झूठ नहीं बोलने का। चाचा कितने की चाय है? 10 का। 10 का एक चाय ना, और इसमें क्या क्या मिक्स रहता है? काजू बादाम पिस्ता किशमिश सब। जल्दी आ जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, ठीक हो जाओ जल्दी से, तुम्हारी याद बहुत आ। इनकी प्राइस जो है ये 7 लाख रुपए है, बहुत ही महंगी है गाइस। यार मैं दिखाता हूँ दोस्तों, अगर ये 45,000 रुपये इसका भाड़ा दे रहे हैं तो इसमें क्या क्या सुविधा है वो भी दिखाता हूँ गाइस। ये बिल्डिंग का नाम है सूर्वे इंडस्ट्री, और ये पड़ता है गोरेगांव ईस्ट में, स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर। तो आज मैं हम यहीं पे जाने वाले हैं और अपने भाई से मिलने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे कैसा काम होता है। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं लाइक सिलाई का और ये बिल्डिंग वगैरह, और अंदर देखते हैं क्या क्या काम होता है। और एक यहाँ पे फ्लैट का जो रूम का भाड़ा है कितना है गाइस, हम वो भी आपको बताएंगे। तो चलो फिर चलते हैं डायरेक्ट ऊपर। गाइज़ मैं आपको बता दूं, फाइनली मैं रिजवान के पास पहुंच गया हूं और मेरे को यहां पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि यहां का जो रेंट है इसका रेंट है 45,000 रुपये है, और ये गोरेगांव स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पे है, गोरेगांव ईस्ट में ये पड़ता है। और यहां पे ना गाइज़ का भाई है रिजवान, देखो प्रेस कर रहा है। रिजवान क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा हूं भाई। अच्छा, घर का ड्रेस है? हाँ हाँ, वही बनाया। कल से बच्चे लोग का स्कूल स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ हाँ, सो गाइज कल से बच्चे लोगों का ना स्कूल मतलब चालू हो रहा है, तो हमारा भाई अपने भांजे के लिए स्कूल ड्रेस मतलब बना के अभी प्रेस कर रहा है। यार मज़र भाई भी हैं और ये हमारे खाला के लड़के हैं, और देखिए ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो मज़र भाई? पीस बना रहे। पीस बना रहे हो ना? कल टाक रहे इसमें। अच्छा अच्छा, रेडी होने के बाद जो फिनिशिंग दी जाती है बाद में वो हो रहा है। ये मशीन ये बहुत कम जगह पे पाई जाती है। क्या क्या ये हमारे रिजवान भाई बता रहे हैं, ये क्या है रिजवान भाई? ये फ्लावर कटिंग की मशीन है। ये फ्लावर कटिंग की गाइस मशीन है, ये बहुत कम जगह पे पाई जाती है। बहुत कम जगह पे पाई जाती है ना ये गाइस, बहुत ही कम जगह पे पाई जाती है। फ्लावर कटिंग की मशीन है, सिर्फ चाइना में पाई जाती है ज्यादातर। ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? चाइना में। चाइना में। इसकी डाई ये है, तरह तरह की डाई है। अच्छा, ये डाई है इसकी? फ्लावर हो गया, पत्ती हो गया, गाइस ये इसका क्या है? ये डाई है। अरे बहुत वजन है यार, ये 2 किलो का होगा। एक का प्राइस गाइस इसका 30,000 रुपए है। मशीन का प्राइस 7 लाख रुपए। और ये मशीन देखिए पूरा गाइस, देखिए मशीन, ये मशीन की प्राइस जो है ये 7 लाख रुपए है, बहुत ही महंगी है गाइस यार। ये मशीन से गाइस देखिए, ये यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट जो आता है ये बन के आता है। ये फ्लावर कटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है श्री शक्ति गारमेंट एसोसिएट। और भी मतलब और भी डिज़ाइन है, आपको दिखाता हूँ। ये डिज़ाइन ये भी है, तो बहुत ही खूबसूरत है यार रिजवान। और गाइस ये देखिए ये काउंटर वगैरह, थोड़ा रिजवान इधर आ जाना, इसके बारे में थोड़ा बता दे। गाइज ये टेबल है, ये कटिंग करते हैं, और ये सब उसी से कटिंग किए हो गया ये सब? मशीन का ही कटिंग। अच्छा अच्छा, ये मशीन का ही कटिंग है। ये मज्जू भाई बनाया है। अच्छा अच्छा, ये मज्जू भाई बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। अभी नया सैंपल है, पास होएगा तो फिर इसका। अच्छा अच्छा, ये सैंपल है, पास होएगा तो और बनेगा ना। और ये क्या, ये पन्नी मैं देख रहा हूँ, ये इसका ही तो ये बना है। ये अच्छा, ये कटिंग करके। अच्छा, कटिंग करने के लिए ये मतलब पन्नी का इस्तेमाल होता है, क्या बोलते हैं ये पन्नी को? काटते हैं, ये है फील्ड सीट। ये फील्ड सीट है, मतलब पहले ऐसे काट लेते हैं, ये देखो ये ऐसा कटिंग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार रिजवान जी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, ये हमारे भाई हैं और ये जहाँ पे काम करते हैं इनको पूरी सुविधा दी गई है। लाइक देखो, दो दो फैन लगा हुआ है और एसी भी लगी हुई है। पूरा आप नज़ारा देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कितनी मशीनें हैं? 1 2 दो तो। अच्छा, ये सिलाई मशीनें हो जाती हैं ना? ये मतलब सिंगल है, इसमें मतलब आप सिलाई कर लो। और ये एक मशीन है गाइज, ये वरलाक करने की। इसकी कीमत क्या होगी रिजवान, वरलाक वाली की? 35,000 गाइज, इसकी कीमत 35,000 है। सब मोटर मशीन है। और ये वाली कीमत क्या है, ये वाली की? 25। ये इसकी गाइज जो कीमत है इसकी 25,000 रुपये है। आपको अंदर ही बाथरूम देखने को मिल जाएगा, चलो अंदर से दिखाता हूँ।
अब भाई 45,000। अबे भाई अंदर से लॉक कर लिया गया। रुक जा अभी भाई, कोई अंदर गया हुआ है, वो लॉक कर लिया है। छोटे सेठ हैं, हाय करो ना भाई। यहाँ पे आपको ना पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी, बाहर को खुलता है ये बाथरूम हो जाता है यहाँ का। सही है, बिल्डिंग में मतलब रूम लेने से ये फ़ायदा तो होता ही है यार गाइस, कि बाथरूम वगैरह सब अंदर ही मिल जाता है। और चौल वगैरह में क्या होता है कि जैसे हमारे धरावी में तो भाई सब अभी पब्लिक ही बाथरूम टॉयलेट यूज़ करते हैं। चलो बाहर चलते हैं। तुमसे ही मतलब ये जो चाय है ना, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई ये उकाला। हाँ हाँ, तो ये क्या बोलते हैं ये चाय को? केसरी उकाला। केसरी उकाला। हाँ तो गाइज ये देखिए चाय यहाँ पे, ये केसरी उकाला चाय है। हाँ झूठ नहीं बोलने का। चाचा कितने की चाय है ये? 10 का। 10 का एक चाय ना। और इसमें क्या क्या मिक्स रहता है? काजू बादाम पिस्ता किशमिश सब। लेकिन आप 10 रुपये कितनी सस्ती क्यों दे रहे हैं? चलिए ओके बाय बाय। हमारी चाय आ गई है और इस चाय को बोलते हैं केसरी चाय। मैं तो भाई ना लाइफ में पहली बार ऐसी चाय देखा, अभी पीने जा रहा हूँ। अभी देखो कैसा लगता है, मैं आपको टेस्ट भी बताता हूँ पी के। यार गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय है और इसमें काजू बादाम किशमिश वगैरह सब मिक्स है। और हैरानी की बात यह है कि ये बहुत सस्ती चाय है यार, 10 रुपये की है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। रिजवान तू बता चाय कैसी लगी? चाय भाई सुपर। सुपर ना। अजर तू बता। वो बहुत अच्छी चाय है, बहुत अच्छी, में से अच्छी चाय कहीं नहीं देखी। तो यार भाई मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे पी रहा हूँ, मेरे को तो बहुत मजा आया। ये सब यहाँ पे आया तो ये भाई लोग मंगाए, हम लोग तो पीते रहते हैं, हम लोग को बहुत पसंद है चाय। ओके मैं ना गोरेगांव आया था आज, तो ये मेरे भाई लोग भी मिल गए। ये रोहित है और ये अन्नू है, ये भी यूट्यूबर है अन्नू भी। तो बताओ कैसे हो यार तुम लोग? मैं तो ठीक हूँ भाई, अपना बताओ। अच्छा है भाई। मैं भी अच्छा हूँ यार, एक दोस्त की कमी है सनी की, वो गांव में है बस, तो उसका तबीयत खराब है यार, ठीक हो जाए। अरे सनी सुन, कुछ मैसेज दे सनी को, वो देखता है ब्लॉग। सनी कब भाई जल्दी आ जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, ठीक हो जाओ जल्दी से, तुम्हारी याद बहुत आ रहा है। मिस यू डार्लिंग, कम यू।